इज इट नेसेसरी कि हमें अंडर आई क्रीम लगानी जरूरी है या नहीं, ये भी आखिर तक देखें आप। चलो शुरू। देखेंगे फ्रेंड्स कि मेरे यहाँ अंडर आई थोड़ा सा डार्क सर्कल्स हैं। यस, इट इज़ अ हेरिडिटी। माय मॉम इज आल्सो हैविंग डार्क सर्कल्स। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेरिडिटी हो, लेकिन ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अ हेरिडिटी। बट अगर आपको अंडर आई थोड़े डार्क ज़्यादा सर्कल्स हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या डेफिशिएंसी है, या इसके बारे में अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन सी चीज़ें लगाने से भी ठीक हो जाता है। जैसे आप देखेंगे इतना डार्क सर्कल्स नहीं है मेरे, बट स्टिल इफ यू कैन सी हियर, यस इफ यू कैन सी द लाइट डार्क, यहाँ पे लाइट है हल्का सा और यहाँ पे डार्कर शेड है। यस, तो थोड़ा सा डार्क सर्कल्स आने से क्या होता है, मेकअप वगैरह से वैसे तो छुप जाता है आज के टाइम पे, मगर फिर भी स्टिल वी हैव मेनी अदर वेज टू डू इट। ओके, टू यू नो कंसील लगा के डार्क सर्कल्स को छुपाया जा सकता है, बट कंसीलर भी बेस्ट क्वालिटी एंड डिफरेंट शेड्स का कौन सा शेड हमको सूट करता है, ये सब बहुत मैटर करता है। देखेंगे मेरे पास मामा अर्थ की आई अंडर आई क्रीम है। इसकी पैकेजिंग ऐसी आती है, बहुत ही क्यूट है और अच्छी है, और ट्यूब भी बहुत छोटी सी है, तो इट्स लाइक यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट और यू कैन जस्ट टेक इट ऑन योर, इतना सा लेना है आपको और जस्ट डैब इट अराउंड योर आईज। ओके, मैंने थोड़ा शायद ज़्यादा ले लिया है, लेकिन मैं अपर लिड्स पे भी लगाती हूँ। यूजली अपर लिड्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं फिर भी लगाती हूँ जस्ट बिकॉज लिटिल डार्कर शेड है मेरे आई लिड्स का भी, तो जस्ट डैब इट। अच्छा, ये कब करना है हमें, जब हम यूजली रात के टाइम शाम को बाहर से आने के बाद नहा के या फेस वॉश करके, जब फेस क्लींस करके उसके बाद हमें ये आई क्रीम लगानी है, मॉइस्चराइज करना है थोड़ा सा फेस को और आई क्रीम लगानी है। जस्ट डैब इट, हल्के हाथ से डैब करना है, दैट्स ऑल। और ये आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेट भी है, इट्स गुड। आई मीन द स्मेल इज ऑल्सो गुड। सिंस 8 days आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ, एंड बिफोर दैट 8 to 10 days आई यूज दिस वन। यस, दिस इज द रोल ऑन। ओके, रोल ऑन मॉम्स ब्रांड का रोल ऑन ये है। ये कैसा है, ये पेन के जैसा, बहुत क्यूट है इसकी पैकिंग भी, एंड इफ यू सी यहाँ पे आपको जस्ट पेन की तरह इसको पंप करना है। यस, पंप करना है और इसको लगाना है यू। यस, जैसे जैसे आप पंप करेंगे पंप करते जाएं, और वैसे अपर लिड्स पे लगाने की जरूरत नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, बट आपके ऊपर है आपको कैसे इसको ये करना, इसको पंप करते जाना है एंड वी हैव टू जस्ट रोल ऑन, रोल ओवर इट। वैसे तो ये भी बहुत लाइट वेट है, और इसका एक ही फायदा है कि हमारा हाथ खराब नहीं होता है, लाइक व्हेन यू डैब इट द हैंड गेट्स डर्टी, बट इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, वन पर्सन ओनली कैन यूज इट, बिकॉज यू आर यू नो यूजिंग योर ऑन योर फेस, एंड हाइजीनिक पर्पज के लिए इट्स बेटर पंप करना है इसको बस। ये मैंने 10 दिन यूज किया, इसमें मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी ये आई कि ये पंपिंग सिस्टम जो है, ये अगर जब तक नीचे आ जाता है ये क्रीम या अंदर का जो मटेरियल है, तो वो ऊपर आने को टाइम लगता है। यस, इट टेक्स टाइम, सो वी हैव टू लिटरली यू नो थोड़ा ज़्यादा पेन की तरह टिक 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 करना पड़ता है, बट कि ये मसाज टाइप है, रोल ऑन। इफ यू सी दिस, ये रोल, तो पेन की तरह इसको यूज करना है, जस्ट रोल इट ऑन, रोल ऑन, तो थोड़ा सा मसाज भी हो जाता है, नाइट टाइम है तो इट्स वेरी गुड टू डू लिटिल बिट मसाज ऑन योर फेस ऑल्सो, सो इट्स लाइक ओके। इनग्रीडियंट्स
दोनों में ही अच्छे हैं। आप देखेंगे कंपैरिजन का कोई इतना वास्ट डिफरेंस नहीं है, ओनली हैंड से लगाना है और इसको रोल ऑन करना है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। बट एट लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट नेसेसरी टू पुट दिस क्रीम और दिस एनी थिंग वट एवर यू पुट ऑन अंडर लाइन अंडर आई। वेल, जरूरी नहीं है कि आपको अंडर आई क्रीम लगानी है। यस माई फ्रेंड्स, अ गुड स्लीप, अ गुड हेल्दी फूड इज इनफ। मगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम योगा भी नहीं करते हैं और फिर ऐसे क्रीम्स ले लेके थोप रहे हैं, तो इट इज नो यूज। क्रीम्स तब यूज होती है जब आप मेकअप कर रहे हैं, आपको छुपाना है या कंसील करना है, तो इट इज गुड। अदरवाइज ये रात को लगा के सोना, ये सब इट डजन इफेक्ट सो मच। हाँ, अगर आप में कुछ डेफिशिएंसी है, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, तो वो वाला ही जैसे रेटिनॉल बेस पे आते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स देख के ही आप अंडर आई क्रीम लगाएं। यस, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इंग्रेडिएंट्स देखें और फिर आई क्रीम लगाएं। जैसे इसमें B13 होता है ना, कि एलोवेरा है, तो एलोवेरा जेल लगाने से भी बहुत सारी चीजें काम आ जाती हैं। मगर अगर आपको आई क्रीम लगाने की आदत है रोज अंडर आई क्रीम लगाने से, तो रेगुलर लगाने से भी, अंडर आई क्रीम लगाने से भी थोड़ा बहुत लाइटनेस आएगा। यस, बिकॉज द डिफिशियंसी गेट्स टेकन केयर ऑफ, इजंट इट। मगर आपको जरूरत नहीं है इतने, जैसे मेरे अंडर आई के लिए मुझे बहुत जरूरत नहीं होती है आई क्रीम की, तो मैं क्या करती हूँ, हल्का सा जो हमारे अच्छे से मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जो एलोवेरा बेस्ड होते हैं या विटामिन ई के होते हैं, ये सब बेसिस पे जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो लगाने से भी इनाफ होता है। सो डोंट स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन दिस ऑन आई क्रीम्स एंड यू नो, मैंने तो कर लिया है। लेकिन और एक, सो इफ पफिनेस आता है, तो DIY किया हुआ, मैंने आप देखेंगे ये वाला वीडियो पफिनेस के लिए बहुत बढ़िया है, होम मेड है, इट्स गुड। सो पफिनेस एंड सैगिंग ऑफ द आईज ये सब होता है, तो गुड स्लीप की बहुत जरूरत है। अच्छा सोना, टाइम पे सोना, 12:30 या 12 बजे तक सो जाइए रात को। यस माई फ्रेंड्स, रात को 12:30 to 3 ये जो टाइम होता है ये बहुत ही क्रुशियल टाइम है। इवन इन एन आयुर्वेदा इट इज सेड कि दिस टाइम यू नीड टू हैव अ डीप स्लीप, एंड दैट इज द टाइम अवर ऑर्गन्स, अवर स्किन, एवरीथिंग ब्रीथ्स। इट गिव्स यू गुड ग्लो ऑन द फेस एंड ऑफ कोर्स आई इस पे तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपको पता ही है 6 to 7 hours फॉर एन एडल्ट इज गुड इनाफ स्लीप। सोशल मीडिया यहाँ वहाँ हम टाइम पास करते हैं, इट्स ऑल राइट। इवन आई एम देयर ऑन द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आप देखो, बैठ जाते हैं हम घंटों घंटों बैठे हैं, मगर अपनी आंखों का ख्याल आपको रखना है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन यू आर वॉचिंग कंप्यूटर, यूर सिटिंग वर्क फ्रॉम होम है, कंटिन्यूस आपका फोकस ऑन द स्क्रीन है, तो आप क्या करें, विद इन 15 to 20 और हाफ एन आवर के गैप में बीच में खिड़की के बाहर देखें। यस, खिड़की के बाहर देखिए या कंप्यूटर और लैपटॉप ऐसी जगह रखें जहां आपको बाहर नजर में उठाएं, तो आप बाहर ग्रीनरी देखें या फिर बाहर की तरफ देखें, तो डिफरेंट एक व्यू लेना है जरूरी। इससे भी आपके आईज काफी अच्छी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। सो दीज आर फ्यू टिप्स विच आई फील वी शुड गो फॉर टेकिंग केयर ऑफ अवर आईज। एंड ऑफकोर्स आपको ये दोनों में से कोई भी खरीदना है तो भी आप लिंक में जाके खरीद सकते हैं, लिंक दिया है मैंने नीचे। तो वैसे देखिए लाइट वेट है, दोनों ही लाइट वेट है एंड दोनों अपनी जगह पे बराबर है, पर आप जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए, हेल्दी फूड खाइए। बाय बाय, टेक केयर।